नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे फैटी लीवर के विषय में। यह बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। हम आपको बताएं, हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में 200 मरीज अगर हमारे क्लिनिक रोज आते हैं साथियों, तो 200 में से अगर मान लेते हैं, एक हम आपको बता रहे हैं, अगर 50 लोग अल्ट्रासाउंड रोज लेकर आते हैं, तो 50 लोगों में से 45-47 लोगों के फैटी लीवर निकलता है। तो यह इतनी बड़ी समस्या है। आप सोचिए, 200 लोगों में से अगर 50 लोग अल्ट्रासाउंड करा के वो रिपोर्ट लेकर हमारे पास आ रहे हैं, या कभी उन्होंने कराई हो तो वो रिपोर्ट हमें दिखाने के लिए ला रहे हैं, तो उसमें से 47 लोगों के, यानी कि 100 में 94 लोगों के या 95 लोगों के फैटी लीवर निकलता है। तो यह इतनी बड़ी समस्या है। और यह समस्या इसलिए क्योंकि फैटी लीवर तो छोटा विषय है, लेकिन फैटी लीवर से जो अन्य दिक्कतें होती हैं वह बड़े विषय होता है। तो आज हम बताएंगे साथियों आपको फैटी लीवर को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, और लीवर को ठीक रखने की भी यह 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं हैं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं, जो हम लोग इसकी चर्चा सुनते हैं, फैटी लीवर या फैटी लीवर होता क्या है। साथियों, इसको बेसिकली नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहते हैं, NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। यानी कि जो लोग विस्की नहीं पीते हैं, दारू नहीं पीते हैं, उनके भी लीवर में एक्सेसिव फैट जमा होने लगता है, यही फैटी लीवर डिजीज होता है। नॉर्मली 5% ऑफ द लीवर वेट जो है वह नॉर्मल माना जाता है, इसके ऊपर अगर आपके फैट जमा हो रहा है तो वही माना जाता है कि एक्सेसिव फैट जमा हो रहा है। नॉर्मली ये जो NAFLD की कंडीशन है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की कंडीशन है, यह बहुत दिक्कत नहीं देती है। आप इसको खुद मैनेज कर सकते हैं अपने परहेज एहतियात करके, लेकिन वक्त के साथ ये नॉन अल्कोहलिक स्ट्रेप्टोहेपेटाइटिस में कन्वर्ट होती है, जिसको कि NASH कहते हैं। और NASH जो है अल्टीमेटली आपको लीवर सिरोसिस या स्कैरिंग ऑफ लीवर टिश्यू या लीवर फेलियर की तरफ ले जाता है। तो यह पहला जो स्टेज होता है फैटी लीवर, यहीं पे हम अपने को सही कर लें तो आगे लीवर की दिक्कतें नहीं आएंगी। और WHO कहता है कि फिजियोलॉजिकल डिजीज सबसे बड़ा आने वाले वक्त में लीवर फेलियर ही है, क्योंकि लीवर एक बहुत वाइटल ऑर्गेन है और इसका खराब होना, पूरे शरीर के लिए खराब होना है। 400 इंपॉर्टेंट फंक्शंस लीवर के होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जिसमें कि ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लूकोलिसिस सब इसी में होते हैं। शुगर का पूरा इंटेक इसमें होता है, इंसुलिन का पूरा ट्रांसफ़र इसमें होता है, एनर्जी का पूरा मैनेजमेंट लीवर में होता है। तो यह आपको ठीक रखना है और अपने फैटी लीवर को भगाना है। हम आपको बताएंगे उसकी 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। तो आपने जान लिया साथियों यह होता क्या है फैटी लीवर डिजीज़। अब साथियों जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के विषय में, कि कैसे आप पहचाने कि आपके फैटी लीवर हो रहा है। एक सिंपल तरीका तो है, आप अल्ट्रासाउंड करा लें, उसमें फैटी लीवर आ जाएगा। लेकिन इसके 3 सिम्टम होते हैं। कला तो वो है कि आप अल्ट्रासाउंड ना कराएं और बात समझ में आए। तो इसके 3 बड़े इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं साथियों। पहला तो इटसेल्फ होता है एनलार्ज लीवर। फैटी लीवर में क्या होता है, लीवर बढ़ जाता है। तो पहला सिम्टम हो गया एनलार्ज लीवर, दूसरा सिम्टम हो गया फटीग यानी कमजोरी आना, और तीसरा सिम्टम हो गया आपके राइट साइड लोअर एब्डोमेन में रिब्स के नीचे पेन होना। अगर यह सिम्टम 3 आप में हैं तो आप समझ सकते हैं, हो सकता है आपके फैटी लीवर हो। आप इसको अल्ट्रासाउंड करा के और अपनी बात को दृढ़ रूप से स्थापित कर सकते हैं। फिर साथियों आते हैं इसके कॉजेस के रूप में। कॉजेस इसके आज तक अननोन है, लेकिन इसके 4-5 बड़े प्रमुख कारण होते हैं, जिसमें कि पहला कारण है कि आपको जॉन्डिस हो गया हो तो आपका फैटी लीवर हो जाता है। दूसरा कारण ये, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए हों तो फैटी लीवर हो जाता है। प्री डायबिटिक स्थिति में या हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में आप हों, उस कंडीशन में फैटी लीवर हो जाता है। और आपका फिजियोलॉजी ठीक ना हो, यानी कि आप लेथार्जिक हो, तो फैटी लीवर होने की पूरी संभावना है। साथियों, नंबर 1 दवा जो होम्योपैथी में फैटी लीवर को ठीक करने की है, और हम लोग अपने क्लिनिक पे इसको बहुत सक्सेसफुली इम्प्लाई करके इसका मेडिकल रिजल्ट देखते हैं, वह है चेलिडोनियम मेजस।
आप चेलिडोनियम का मदर टिंचर 10-10 बूंद 4 बार यदि ले लेते हैं तो आपका यह जो फैटी लिवर है एक महीने के अंदर ठीक होने की पूरी संभावना है। और चेलिडोनियम साथियों ऐसी दवा है, चाहे आपका नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो यानी फैटी लिवर हो, चाहे इसकी अगली स्टेज नॉन एल्कोहलिक स्टेप्टोहेपेटाइटिस हो यानी नैश हो, या फिर इसकी तीसरी स्टेज जो लिवर फेलियर या लिवर सिरोसिस या स्कैरिंग ऑफ द टिश्यू ऑफ द लिवर है, वह तीनों स्टेजों को ठीक करने में चेलिडोनियम नंबर एक दवा है। ऐसा हमने क्लिनिक पर देखा है, मैं बड़ी भरोसा है। तो अगर आपको लीवर की कोई भी दिक्कत हो साथियों, जॉन्डिस से लेकर कोई भी, तो आप जो इलाज कर रहे हैं करें, और साथ में अगर आप चेलिडोनियम मेजर्स का मदर टिंचर ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका लीवर स्ट्रांग हो गया, लीवर सिरोसिस तक से आप वापस आ गए, ये तो फैटी लीवर की बात है, वह तो निश्चित रूप से सही हो ही जाएगा। तो अगर आपको दिक्कत है साथियों, आपके शोल्डर के नीचे, राइट शोल्डर के नीचे पेन हो रहा है, आपको फैटी लीवर हो गया है, तो चेलिडोनियम मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 4 बार इज द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यू। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि जब आप चलते ही हैं तो चलते ही यहाँ राइट साइड आपके दर्द होने लगता है। अगर यह कंडीशन आप में हो कि चले आप और चलने से आपको राइट साइड रिब्स के नीचे पेन होने लगा, तो उस पेन को रोकने और फैटी लीवर को ठीक करने की सबसे अच्छी दवा ब्रायनिया एल्बा है। आप ब्रायनिया एल्बा 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपको चलने से बढ़ने वाली तकलीफें, लिवर के तकलीफें, वह पूरी तरह ख़त्म हो गई और आपका फैटी लिवर ठीक हो गया। फिर साथियों एक स्थिति आती है, फैटी लिवर जिनको होता है उनकी आती है हाइपर एसिडिटी और गैस ऊपर की तरफ बनना। तो अगर यह कंडीशन आप में है कि आपके हाइपर एसिडिटी और कुछ भी खाया गैस बनने लगी और गैस ऊपर की तरफ आने लगी, शाम के समय तकलीफें बढ़ गईं 4 बजे के अराउंड, तो अगर यह स्थिति आप में है कि आपके लोअर एब्डोमेन में बहुत गैस बन रही है और गैस ऊपर चढ़ रही है और ब्लोटिंग है और आपके फैटी लिवर है, तो फैटी लिवर को ठीक करने की बहुत कारगर दवा साथियों है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। आप लाइकोपोडियम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे आपके पेट का भी हल्कापन हो गया, ब्लोटिंग भी बंद हो गई, शाम को बढ़ने वाली फैट पेट की तकलीफें भी ख़त्म हो गई और आपका फैटी लिवर डिजीज़ भी ठीक हो गया। फिर साथियों फैटी लिवर की बहुत अच्छी एक और दवा आती है, कहते हैं स्थिति आती है बड़ी कॉमन, वह यह है कि राइट साइड छूने से भी आपको दर्द हो रहा है, इतनी ज़्यादा सूजन हो गई आपको फैटी लिवर कारण, जब आप रिब्स के नीचे टच करते हैं यहाँ पर राइट साइड तो आपको दर्द महसूस होता है। अगर यह कंडीशन है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा कार्डुअस है। आप कार्डुअस मेजर मैरिनस 10-10 बूंद दिन में 4 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो टेंडरनेस है राइट साइड लोब में लिवर की, वह पूरी तरह ख़त्म हो गई और जो आपके पेशाब में अगर सेडिमेंट्स आ रहे हैं डार्क कलर्ड हो रही, वह भी आपकी पीली बहुत ज़्यादा हो रही, वह भी क्लियर हो गई। कार्डुअस बड़ा पिक्यूलर काम करता है साथियों, कार्डुअस जो आपका बाइल होता है उसको डाइल्यूट करता है, उसको थिन करता है, और जब आपका बाइल जूस जो सिक्रीट हो रहा है लिवर से वह थिन होगा तो आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। तो कार्डुअस बहुत अच्छी दवा है साथियों, अगर राइट साइड आपके रिब्स के नीचे लिवर एरिया में पेन हो रहा है। एक कॉमन स्थिति आती है साथियों कि जब आपके यहाँ लिवर में पेन हो रहा है, राइट साइड आपके लिवर में पेन हो रहा है और जब आप बाईं करवट लेटते हैं तो आपके पेन बढ़ता है। अगर यह स्थिति आप में साथियों कि आपके राइट साइड पेन हो रहा है लेकिन अगर आप बाईं करवट ले लेते हैं लेफ्ट साइड तो आपके पेन बढ़ जाता है, तो उसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है पटेलिया। आप पटेलिया टी यह दवा 30 में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका यह राइट साइड जो फैटी लिवर के कारण होने वाला पेन है यह भी ख़त्म हो गया, बाईं करवट लेटने के कारण होने वाला पेन है वह भी ख़त्म हो गया और आपका फैटी लिवर भी ठीक होके आप सामान्य स्थिति की ओर बढ़ने लगे। फिर साथियों बहुत इंपॉर्टेंट दवा आती है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की, कि जब आप बहुत ज़्यादा दारू पीने की आपकी आदत रही हो या हो और आपके फैटी लिवर हो रहा हो, पेट आपका हमेशा ख़राब रहता हो, एक बार में मोशन खुल के ना होता हो, सीने में जलन बहुत होती हो, तो अगर यह स्थिति है साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और बहुत कॉमन दवा है और दवा का नाम है नक्स वोमिका। आप नक्स वोमिका 32 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकती हैं जब आपको
अल्कोहल बहुत आपने पिया हो या पी रहे हो, आपके सीने में जलन काफ़ी होती हो, आपको एक बार में मोशन ना होता हो, लगता है कुछ रह गया, हमेशा स्टूल के अर्ज बना रहता हो, तो नक्सोमिका इज़ द ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर यू। यह दवा आपके नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ यानी फैटी लिवर डिजीज़ को पूरी तरह ख़त्म कर देगी। जो अल्कोहल के कारण आपके लिवर को नुकसान पहुंचा है वह भी ठीक कर देगी। बस शर्त है अब आगे से अल्कोहल अगर पहले लिया हो लेकिन अब ना लीजिएगा। फिर एक स्थिति आती है साथियों की, फैटी लिवर डिजीज़ है और आपने कुछ भी खाया, खाना मुंह में आने लगा। अगर यह कंडीशन है साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है फॉस्फोरस। आप फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आप देखेंगे कि आपका जो यह मुंह में खाना आने की प्रक्रिया, खाना ऊपर तक आने की प्रक्रिया है खाने के बाद फैटी लिवर होने के कारण, यह ठीक हो गई। फॉस्फोरस के मरीज को नॉर्मली ठंडी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद होता है, शाम को तकलीफ़ें उसकी बढ़ती हैं और उसको पूरे शरीर में एक जलन ऐसी महसूस होती है। अगर यह सिम्टम है तो समझ लीजिए फॉस्फोरस आपके लिए सबसे मुफीद दवा है, कारगर दवा है, सबसे सटीक दवा है। आप फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली लेके अपने फैटी लिवर डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपको कोई कार्डियक डिजीज़ रहा हो, हार्ट का ट्रबल रहा हो, दिल की बीमारी रही हो। दिल की बीमारी मतलब दिल की बीमारी, तो तकलीफ, तो जो है उस स्थिति को होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा है डिजिटेलिस परपूरिया। डिजिटेलिस परपूरिया 32 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें। आप देखेंगे कि आपका जो कार्डियक डिजीज़ है, मतलब जैसे कि धड़कन हो गई, घबराहट हो गई, पैल्पिटेशन हो गया, थ्रॉबिंग हो गई, उन सब में भी आराम मिल गया और आपका फैटी लिवर भी ठीक होने लगा। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके फैटी लिवर हो रहा है और आपको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है, एपिटाइट ज़ीरो हो गई है। तो अगर यह स्थिति हो कि एपिटाइट का अर्ज ज़ीरो हो गई हो, खाने को कुछ भी मन ना कर रहा हो और आपके फैटी लिवर हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है बाल्डो। आप बाल्डो 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपकी भूख भी बढ़ गई, आपका फैटी लिवर भी ठीक होने लगा और आपका जो लिवर एरिया में पेन है वह भी खत्म हो गया। फिर साथियों एक दिक्कत आती है, समस्या आती है कि बहुत छोटे बच्चों में फैटी लिवर हो गया। तो अगर इन्फेंट्स तक में, दूध पीते बच्चों में, पैदा हुए बच्चों में अगर फैटी लिवर हो रहा है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है मायरिका सेरिफेरा। आप मायरिका सेरिफेरा का मदर टिंचर 5-5 बूंद दिन में 4 बार इन्फेंट्स को भी दे सकते हैं या 2-2, 3-3 बूंद इन्फेंट्स को भी दे सकते हैं जो कि फैटी लिवर से ग्रसित हैं और जिनको बार बार रिकरेंट जॉन्डिस हो रहा है। तो मायरिका सेरिफेरा ऐसे लोगों को ठीक करके आपको जीवन को सरल और सुगम बनाने में मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि आपके लिवर बहुत ज़्यादा बढ़ के ग्रॉसली एनलार्ज्ड हो गया और आपके गाउट है साथ में। तो अगर यह स्थिति हो कि आपके गाउट की कंडीशन होने लगी हो, यानी कि छोटे जोड़ों में दर्द, मुट्ठी में बंद होने में दिक्कत होने लगे और आपको लिवर ग्रॉसली एनलार्ज हो गया, बहुत बढ़ गया हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है नैट्रम सल्फ। आप नैट्रम सल्फ 200 पावर में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आप देखेंगे कि आपका जो बहुत ज़्यादा बढ़ा लिवर है यह सामान्य की ओर आने लगा, नॉर्मल की ओर आने लगा। फिर साथियों एक कंडीशन, नॉर्मली फैटी लिवर उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जो मोटे हों, थुलथुल हों, थोड़ा ओबेस हों। तो अगर आपको ओबेसिटी है और आपके फैटी लिवर डिजीज़ है, मोटापा है और फैटी लिवर डिजीज़ है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कैल्केरिया कार्ब। आप कैल्केरिया कार्ब 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर उस स्थिति में ले सकते हैं। खास तौर पर यह महिलाओं के लिए भी बहुत कारगर है कैल्केरिया कार्ब दवा। इसको आप ले सकते हैं कि अगर आपके सर से पसीना बहुत आता हो, आपको ठंडी हवा से भी एलर्जी हो, शाम को आपकी तकलीफें बढ़ती हों, अंडा खाना आपको एक खाना बहुत पसंद हो, आपका जो नेचर है शरीर का वो ओबीज हो, फेयर फैट एंड फ्लैबी हो, थुलथुल हो, तो कैल्केरिया कार्ब इज़ द ड्रग ऑफ द चॉइस। यह आपके फैटी लिवर को ठीक करके आपको पूरी तरह स्वस्थ कर देगी और जो आपके राइट साइड रिब के नीचे भारीपन होता है यह पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपका लिवर भी फैटी है, एनलार्ज है और आपकी स्प्लीन भी बढ़ी यानी तिल्ली भी बढ़ी है।
तो अगर ये दोनों चीज़ें साथ में हो, यानी कि आपका लीवर भी एनलार्ज है और आपका स्प्लीन भी एनलार्ज है, तिल्ली भी एनलार्ज है, तो अगर यह स्थिति हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है फेरम आर्सनिकम। आप फेरम आर्सनिकम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका लिवर और स्प्लीन दोनों ही अपने कुदरत के बनाए निजाम पे, यानी कि सामान्य की ओर आने लगे। एक स्थिति आती साथियों, देखा गया आमतौर पे जब फैटी लिवर होता है आपके, तो साथ में पूरे शरीर में खुजली भी होने लगती है। अगर आपको स्किन प्रॉब्लम्स के साथ फैटी लिवर है, जिसमें कि इचिंग एक मेन सिम्टम है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है डॉलिकॉस। आप डॉलिकॉस 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका फैटी लिवर भी ठीक हो गया और फैटी लिवर के कारण होने वाला जो शरीर की इचिंग है वह भी ख़त्म हो गई, यानी डॉलिकॉस का सिम्टम हो गया इचिंग विदाउट इरप्शन। इरप्शन कोई नहीं है, लेकिन लिवर की दिक्कत के कारण आपके पूरे शरीर में खुजली हो रही है, उस स्थिति में डॉलिकॉस बहुत अच्छी दवा है, यह लेके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर साथियों, एक स्थिति आती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में कि बार बार डायरिया हो रहा है। अगर यह स्थिति हो कि आपको बार बार डायरिया हो रहा है और आपका लिवर एनलार्ज है, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है पोडोफाइलम। आप पोडोफाइलम 30 दो बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में दे सकते हैं जब आपको बार बार डायरिया हो रहा हो, आपका फैटी लिवर डिजीज हो और आपको बहुत वीकनेस आने लगी हो, तो पोडोफाइलम, क्योंकि पोडोफाइलम कहता है, इसकी जो ब्रेड लाइन है वो कहती है एक्सेसिवनेस ऑफ ऑल डिस्चार्जेस। तो अगर आपका बाइल ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, जिससे आपको बार बार जॉन्डिस हो रहा है, अगर आपके डायरिया हो रहा है, कुछ भी हो रहा है जो फैटी लिवर के साथ है, जिसमें एक्सेसिव नेचर है डिस्चार्जेस का, तो पोडोफाइलम इज द ड्रग ऑफ द चॉइस। यह दवा आपको ठीक करके फैटी लिवर की समस्या से निकाल के आपके जीवन को सुगम बनाएगी। एक स्थिति आती है साथियों फैटी लिवर डिजीज़ में कि बहुत ज़्यादा आपको उकाई उल्टी हो रही है, लिवर बढ़ गया और आपको बहुत उल्टी हो रही है। अगर यह स्थिति आपके हो कि बहुत उल्टी और भारीपन आपको बना है और आपके फैटी लिवर है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में 2 कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है साथियों इपिका और दूसरी दवा है रिटैनिया। आप इपिका 30 दो बूंद दिन में 3 बार और रिटैनिया 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। आपकी बेल्चिंग और रेचिंग दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आपको डकार नहीं आएगी, आपको उकाई नहीं आएगी और आपका फैटी लिवर भी ठीक होने लगेगा। एक स्थिति आती है साथियों जब आपको फैटी लिवर हो गया और साथ में आपके लिवर के रीजन में इतना पेन हो रहा है कि यह पेन आपके राइट शोल्डर तक भी जा रहा है और राइट हिप रीजन में भी जा रहा है और आपको ब्लडी स्टूल हो रहा है, तो अगर यह आपको मतलब थोड़े से भारी सिम्टम्स हैं इस समस्या के, तो उसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में दवा है और आपके फैटी लिवर को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है वाइपेरा। आप वाइपेरा 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो पेन हो रहा है, जो कि राइट साइड यहाँ रिप्स के नीचे से या राइट लंबा रीजन से आपके शोल्डर और हिप तक जा रहा है और ब्लडी स्टूल हो रहा है, तो इन तीनों सिम्टम्स में जो है यह वाइपेरा आपको आराम देगी दवा और आपके जीवन को बेहतरी की ओर ले जाएगी। यह साथियों कुछ दवाएँ थी फैटी लिवर के विषय में जो कि हम अपने क्लिनिक पर देखते हैं कि अगर 50 लोगों का अल्ट्रासाउंड होता है तो 50 में जो है 45-46 के फैटी लिवर आता है, शायद हमारे भी आए, हमारा अल्ट्रासाउंड होगा तो यह दवाएँ हैं साथियों जो आपके फैटी लिवर को ठीक कर सकती हैं और इसके बाद होने वाले जो हेपेटाइटिस है और लिवर सिरोसिस है उस स्थिति को यहीं पे रोक के आपको सामान्य कर सकती हैं। अगर साथियों आपके मन में कोई क्वेरी उठ रही हो तो आप हमारे ये नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। एक बात और साथियों, कोई भी दवा हो बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा, ये हमेशा हम कह देते हैं क्योंकि ये आवश्यक बात है। अगर साथियों आपको ये बहुत ही सामान्य समस्या से निपटने की सामान्य रूप से भाषा में बताए गए होम्योपैथी की दवाएं आपको सुन के अच्छा महसूस हुआ तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके हमारे नए वीडियो सबसे पहले पाते रहिएगा।
आपका साथी हूँ, हमारा साथ देने के लिए, साथ रहने के लिए, साथ चलते रहने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।